ये है फागू। यस, दिस इज फागू, काम बिल्कुल एंड सीरीन ऑफबीट प्लेस। काफी कम टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, और इसलिए भी यहाँ पे काफी शांति का माहौल है। तो अगर आपको शिमला आके बिल्कुल आपको शांत जगह पे जाना है, एंजॉय करना है, नेचर से कनेक्ट होना है, तो दिस इज अ प्लेस। एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, अभी तक हमने आपको घुमाया है मॉल रोड, यहाँ की कुफरी और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस शिमला के। बट अभी जिस स्पॉट पे हम लोग खड़े हैं, ये है शिमला का फागू टॉप। बहुत ही बहुत अमेजिंग प्लेस है। बिल्कुल बहुत ही कूल और ग्रीनरी से भरा हुआ है। और शिमला के भीड़ भाड़ वाले एरिया से आप दूर आना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, और थोड़ा सा कूल, काम और शीरीन वाले एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं बच्चों के साथ। स्पेशली जो शिमला पहले आ चुके हैं, वो अगर शिमला वापस हाँ आते हैं तो उनको ये जगह ज़रूर डेफिनेटली, पसंद आएगी। इसलिए ये जगह तो मस्ट है वैसे लोगों के लिए जो फ्रिक्वेंटली शिमला आते हों और ऐसी जगह पे। और विद फैमिली यहाँ पे हम थोड़ी देर अगर टाइम निकालते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग ये मोमेंट होने वाला है। तो पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। आज हम आपको फागू के और भी अलग अलग प्लेसेस दिखाने वाले हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं और टूरिस्ट वहाँ पर जाना पसंद करते अच्छा हैं। ये तो बता दो, फागू बोलते क्यों है? फ्रेंड्स, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, क्योंकि ये जगह मोस्टली फॉग से ढकी रहती है, 9-10 मंथ्स बोलते हैं। इस बार तो मार्च में पूरी ढकी रही, क्योंकि मार्च में बारिश बहुत हुई इस जगह पे, तो ये बिल्कुल ही कवर्ड था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने इस जगह को फॉग के कारण फागू नाम रख दिया। अभी हम लोग जिस टाइम पे आए हैं, ये मई का जस्ट स्टार्टिंग है, जस्ट फर्स्ट वीक ऑफ मई। तो यहाँ पे अभी आपको बिल्कुल मौसम क्लियर दिख रहा होगा। अभी ये स्काई में भी काफ़ी ब्लूज़ हैं, तो सब कुछ बहुत ही अच्छा, इसलिए बिल्कुल क्लैरिटी के साथ यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, और यहाँ पे ठंड भी ज़्यादा होती है। शिमला से लगभग 5-6 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कम होती है, तो ठंड ज़्यादा होती है, इसका ध्यान रखें। और फिर हम आपको दिखाते हैं कि हम शिमला से यहाँ पर कैसे आए हैं, थोड़ा सा ब्रीफ आपको दिखाएंगे वो कैसे ड्राइव करके आए हैं, कितना टाइम लगता है, अमूमन कितने किलोमीटर्स हैं वहाँ से। तो उन सब सारी चीज़ों के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में और एन्जॉय करते रहिए। दोस्तों, हम निकल चुके हैं शिमला से एक बहुत ही अमेजिंग जगह के लिए, जिसका नाम आपको तो हम पहले बता ही चुके हैं, फागू। क्योंकि फॉगी होता है वो फॉर द मोस्ट ऑफ द सीजन एंड टाइम ऑफ द ईयर। तो हम लोग अभी शिमला से निकले हैं, और ये जस्ट 23 किलोमीटर्स फ्रॉम शिमला। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं शिमला का ढली सब्जी मंडी एरिया। तो अभी ढली चौक मिलेगा, फिर आगे हमें जाके कुफरी मिलने वाला, और कुफरी से 4 किलोमीटर आगे फागू। तो फागू में 3-4 स्पॉट्स हैं, वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे उसको। तो ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये हमें अगर शिमला से बात करें तो 40 मिनट्स लग जाने हैं फागू तक पहुंचने में। और जहाँ पे, जिस जगह पे हैं हम लोग अभी ढली, यहाँ से दैट इज़ 15 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस, और ढली सब्जी मंडी। और फागू पहुंचने के बीच में जो जो स्पेशल टूरिस्ट प्लेसेस आएंगे वो भी हम आपको बताते चलेंगे, कि बीच बीच में आप और भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ भी आप थोड़ी देर रुक हाँ, सकते बिल्कुल, हैं, एंजॉय कर सकते हाँ, हैं। क्योंकि अगर कुछ लोग अगर जाना हो, अगर कुछ लोगों ने फागू या कुफरी जाना हो, तो उनको पता हो कि ये यही रास्ते हैं, इसलिए ये बताना बिल्कुल सही है, ताकि एक ही टाइम पे वो अलग अलग डेस्टिनेशंस भी कवर कर सकें। तो कई सारे प्लेसेस अभी हमें मिलने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। ये शिमला का ढली चौक अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम कौन से एरिया में हैं? जैसे राइट साइड तो लोग फागू चले जाएंगे, और अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो मशोबरा और तत्ता पानी की ओर। तो अभी हम लोग ने राइट साइड लिया है स्ट्रेट, तो इससे हम लोग चले जाएंगे फागू, और ये कुफरी वाला रास्ता, कुफरी इनफैक्ट फागू से पहले आता है। सो जैसा कि अभी हम लोग कुफरी पहुंच गए हैं, आई लव कुफरी भी है सामने, यहाँ से फागू जाने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ से फागू जाने में 10-15 मिनट्स, बिकॉज दैट इज जस्ट 4 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस। तो 4 किलोमीटर है, और ये कुफरी का बाईपास रोड है, ऊपर ये मार्केट वाला रोड ऊपर है, और फिर उस लेवल के ऊपर जाके 2 किलोमीटर यहाँ से आगे ऊपर की ओर चीनी बंगलो, तो वो भी टूरिस्ट प्लेस है काफ़ी अच्छा। अगर कुफरी है तो वहाँ भी जरूर घूमें। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए फागू की ओर,
यहाँ बोर्ड पे दिखा रहा है फागु 4 किलोमीटर्स, तो ये कुफरी है, न्यू कुफरी, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे हमें जाना है। आज रश भी काफ़ी है, काफ़ी टूरिस्ट है यहाँ पे, सारी गाड़ियाँ बाहर की दिख रही है, ये हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, और ये मई फर्स्ट वीक है तो रश होना तो लाजमी है गर्मी के दिनों में। कुछ लोग आते भी हैं, कुछ लोग जा भी रहे हैं शिमला से, और कुछ फैमिली वाले जो शिमला के लोकल हैं वो भी घूमने निकलते हैं। बस थोड़ा सा जैम का प्रॉब्लम आता है ज़्यादा रश होने पर, अदरवाइज तो ज़्यादा टूरिस्ट तो मज़ा ही आता है। देख रही है रोड के दोनों साइड ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं, माय गॉड, पूरे कुफरी से लेके ये लंबी धार वाला एरिया है ना फागु के पहले वहाँ तक में, ये सारे लगे हुए हैं गाड़ियाँ दोनों साइड में। ये कुफरी फन वर्ल्ड के लिए यहाँ से आप जा सकते हैं, अब लगभग 2 किलोमीटर है फागु आने में। तो यहाँ से आ गया स्नो किंग रिट्रीट, फागु टॉप शिमला, तो हम लोग को यहीं पे जाना है, तो यहाँ से हमें राइट मुड़ना है अभी। और यहाँ से लेफ्ट से अगर थोड़ा सा हम आगे जाएंगे 1 किलोमीटर अहेड हमें फागु का मार्केट मिलेगा। तो आइए यहाँ से हम सीधा चलते हैं, थोड़ी सी कच्ची रास्ते हैं और थोड़ी गाड़ियाँ संभल के चलानी है, और देखते हैं गाड़ी कहाँ तक जाती है ऊपर, तो मैक्सिमम उस पॉइंट तक चलेंगे और थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा हमें घूमने में। ये फागु टॉप शिमला है, बट अभी तो बर्फ़ नहीं गिरी है तो रास्ते ठीक है, कच्चे हैं लेकिन ठीक है, बट बर्फ़ के दिनों में ये पूरा ही भर जाता है बर्फ़। तो यहाँ पे भाई जिप्सी से आना पड़ेगा, ये 4x4 मतलब आई मीन टू से की कुफरी से आगे है, तो एक ठंडा इलाका है तो ठंड के दिनों में तो काफ़ी हमें कवरअप होके ही आना होगा, आजकल गर्मियों में ठीक है मौसम सुहावना है। गलू खंड ठियोग, एक छोटा सा मैदान है ये, ये छोटा सा ग्राउंड एरिया है, और इसको गलू गलू पार्ट बोलते हैं इस जगह को। यहाँ पे आप गाड़ियाँ पार्क लगा सकते हैं, थोड़ा सा चाहें तो आप यहाँ पे भी घूम सकते हैं। तो बर्फ़ के टाइम पे पूरा बर्फ़ से कवर्ड रहता है ये पूरा एरिया। एक बार हम उतर के गाड़ी से और फिर आपको चारों ओर का नज़ारा दिखाने वाले हैं यहाँ का, क्योंकि ये नज़ारों के लिए और व्यू के लिए जाना जाता है, बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है इस पूरे जगह का। फागु टॉप है, काफ़ी ऊंचाई पर भी है तो अमेजिंग नज़ारा होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे तो हमें याक भी दिख रहे हैं, और ये पार्किंग करने के बाद थोड़ा सा पानी ले रहे हैं ताकि एनर्जी मिल जाए बोलने के लिए भी और घूमने के लिए भी। समर टाइम है तो शिमला में भी थोड़ी तो इफेक्ट आ ही जाती है। क्या अमेजिंग व्यू है यहाँ पे, देखिए ये बीच में मैदान चारों ओर से कैसे कवर्ड है, इसी बीच में रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे और याक भी है, तो आप पिक्चर्स वगैरह वीडियोज वगैरह कुछ करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें तो होती है कि जब हम यहाँ पे आते हैं ऐसी जगह पे घूमने तो एंजॉय तो पूरा फुल करना चाहिए। आयुष्मान सो क्यूट ना याक, आपकी तरह सुंदर है। हाँ देखे हो कभी पहले इतने नज़दीक से, और ये देखिए कितना अच्छा ये प्लेस है, पूरा राउंड में हम दिखा रहे हैं आपको। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ से, अल्टीमेट व्यू दिखाता हूँ। वाट अमेजिंग व्यू, यहाँ तो बिल्कुल कॉर्नर में नहीं जाऊँगी मैं और डर भी लग रहा है। नो बेटा डोंट गो देयर, बट बहुत अच्छा लग रहा है व्यू, बिल्कुल टॉप से हम लोग देख रहे हैं, और ये देखिए ग्रीनरी, रियली अमेजिंग व्यू, ग्रीनरी ज़्यादा है और सामने भी हिल्स का व्यू बहुत ही शानदार है। और अगर मैं आपको दोस्तों अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ इस जगह पे, यहाँ पे तो वो सारा पिकनिक स्पॉट है, उधर थोड़ा नज़दीक लेके चलता हूँ मैं आपको। तो ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ, पूरा एरिया जो है ना ये सारे ही पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे भी आप बैठ जाएं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे काफ़ी सारे अगर प्लास्टिक और ये कूड़ा करकट देख रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है,
अब देखेंगे तो बहुत ही गंदगी फैलाई हुई है, हम लोगों ने तो उसका ध्यान रखना है। डस्टबिन की जगह देखिए यहाँ पे बनी हुई है, हालांकि गवर्नमेंट का थोड़ा सा ध्यान कम है क्योंकि ये डब्बे भी टूटे हुए हैं तो लोगों ने ऐसे ही फेंक रखे हैं। तो गवर्नमेंट को भी और साथ साथ हमें भी मिलके इन सब सारी चीज़ों पे फोकस करना है। तो आप इन सब सारे जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप शिमला से दूर किसी शांत जगह पर आना चाहते हैं, काम एंड सेरीन। तो ये वो जगह है जहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए एंड हाफ डे का एक्सकर्शन टूर आप बना सकते हैं इस जगह के लिए। और शिमला तो स्वर्ग है ऐसे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। अरे यहाँ खाना है। नहीं अभी हमें और भी जगह घूमने जाना है ना। आप ये देखो याक, डर क्यों रहे हो, कुछ नहीं होता। नहीं माता है। नहीं, हेलो बोलो, हेलो नहीं, फिर भी नहीं। यहाँ फोटो लीजिए हम लोग का। सो अब हम लोग कहाँ पे पहुँचने वाले हैं? तो अभी हम लोग इस ग्राउंड से अभी आगे की ओर चल रहे हैं, यहीं पे जस्ट पास में आगे की ओर है एंड वहाँ पे एक टेंपल भी है, फिर एक पॉन्ड तालाब भी है और स्नो किंग रिट्रीट में अंदर की ओर चल रहे हैं। तो यहाँ से बिल्कुल सामने वो स्नो किंग रिट्रीट का वाइट बोर्ड दिख रहा है, वहीं से हमें ऊपर की ओर जाना है। यहाँ से ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड में एडवेंचर रिसॉर्ट है, यहाँ पे 100 रुपीज़ एंट्री चार्ज है। फिर ऊपर जाके आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं उसका अलग अलग चार्जेस देकर। और हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे गो कार्ट भी है तो वो भी कर सकते हैं आप चाहे तो। किड्स के लिए काफ़ी फन एक्टिविटीज़ हैं। हम लोग बढ़ते हैं इधर आगे फागू की ओर, फागू टॉप पे। माय गॉड, ये देखिए व्यू कितना सुंदर है इस रास्ते से जो हम लोग अभी जा रहे हैं। नीचे कोई गांव एरिया है लगता है। हाँ, ये पूरा कुफरी का विलेज भी है और साथ ही साथ फागू वाला भी एरिया है। और ये रास्ते देखिए कच्चे रास्ते हैं थोड़े, लेकिन गाड़ियाँ चली जाती हैं फिर भी। स्नोकिंग रिट्रीट फागू हिल टॉप शिमला। तो ये पहुँच गए हम लोग जहाँ से हमें ये मंदिर की सीढ़ियाँ है सामने जो दिख रहा है। तो पहले तो अभी हम गाड़ी लगाते हैं, उसके बाद इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये हम पहुँच गए स्नोकिंग की रिट्रीट और यहाँ पे हम गाड़ी लगा देते हैं। फागू फार्म ICGR, तो पोटैटो रिसर्च का इंस्टीट्यूट है ये। तो यहाँ पे पोटैटो के ऊपर, आलू के ऊपर जो वैरायटीज़ हैं और उसकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर और क्या उसके ब्रीड होगी उसके ऊपर रिसर्च होती रहती है, ये सीढ़ीनुमा खेती। लेकिन यहाँ से ये व्यू देखिए, ये कितना अमेजिंग व्यू है, बिल्कुल सामने वो पीक देखिए, स्नो लडन पीक्स हैं। और यहाँ से ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 360 व्यू आ रहा है, 360 व्यू फ्रॉम ऑल द वे। ये तो मानना पड़ेगा ना, शिमला के किसी भी नए प्लेस पे जाओ तो बिल्कुल अलग लगता है। हर प्लेस अपने आप में एक अलग कहानी बताती है। और देखिए यहाँ का जो स्पेस है, आप सामने देखिए बिल्कुल पहाड़ों की जो चोटी दिख रही है कितनी खूबसूरत लग रही है। और अभी गर्मियों में ये हाल है तो बर्फ़ के दिनों में क्या हाल होता होगा। अच्छा, एक चीज़ गौर किया तुमने, बर्फ भी दिख रहा है, वो बर्फ है क्या? बर्फ नहीं है, वो तो एप्पल के ऊपर वहाँ पे ना वो उसको कवर किया गया है नेट से कि ताकि जो ओले वगैरह पड़े अगर हेल स्टॉर्म्स तो उससे नुकसान ना हो। और दोस्तों की मैं बताना चाह रहा था आपको, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये सारी जगह पे तो हमें थोड़ा सा फॉगी फॉगी भी लग रहा है। और ये वाला एरिया देखिए, ये यहाँ पे इन सब की आलू की खेती की जाती है सारे एरिया में, ये पूरे ऊपर से नीचे तक। और डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, डिफरेंट रिसर्च वगैरह होती हैं इनमें। आगे एक छोटा सा पॉन्ड मिलेगा हमें, तो आइए अभी वहाँ चलते हैं। और दोस्तों एक जो मैंने सीढ़ियाँ दिखाई थी आपको वहाँ पे भी आप पार्क कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो फागू फार्म है यहाँ पे भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो दोनों जगह आप पार्किंग कर सकते हैं और दोनों जगह से ही मंदिर के पास हम लोग पहुँच सकते हैं। ये कितना सुंदर लग रहा है ये जगह ना, ये वाला। हाँ। ये अगर रेनी सीजन में आओगी ना या फिर जब बिल्कुल ही ग्रीन ग्रीन होता है ना ये, तब तो बिल्कुल ही अमेजिंग फील आता है इस जगह का और काफ़ी इन्जॉय कर पाते हैं। और साथ ही साथ फॉग भी होता है जैसा कि नाम भी है, तो उस समय तो सच में खूबसूरत जन्नत लगता है। तो ये शिमला का एक स्पेस ये भी है जहाँ पे आलू की खेती होती है। छोटा सा पॉन्ड भी है तालाब टाइप का और 100% ये मैनमेड है, आर्टिफिशियल। तो यहाँ पे वाटर स्टोर किया जाता है। आपको मैं इस पॉन्ड के एक बार चारों ओर का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, बड़ा ही अमेजिंग व्यू आएगा वहाँ से, उधर से।
तो आइए भी चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो, पत्थर उठा रहे हो? ये पॉन्ड जो है यहाँ का अट्रैक्शन पॉइंट है, और देखिए इसमें फिशेस भी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें फिश भी दिखा है ना इसमें? हाँ। इस और काफी बड़ा पॉन्ड है, तो इसके चारों तरफ से एक बार हम घूम लेते हैं। और जो नेचर लवर है उनके लिए तो ये हेवन है रियली। बहुत ही एकदम बहुत कम टूरिस्ट लोग यहाँ आते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ जरूर आइएगा, आपको भी पसंद आएगा। इनफैक्ट यहाँ के लोकल भी बहुत, हाँ वो भी कभी कम ही आते हैं यहाँ पे। और हम लोग भी यहाँ पे जस्ट सेकंड टाइम आ रहे हैं, और हमारा ये फर्स्ट ब्लॉग है इस पॉइंट के ऊपर। तो अभी यहाँ से पूरा लगभग आप देखिए तो ऊपर स्काई भी बिल्कुल खुला आसमान, और इधर पानी तो है ही तालाब का, और इधर बिल्कुल ही सीढ़ीनुमा खेती की गई है, तो बहुत ही अमेजिंग सा एक फील आ रहा है इस पूरे जगह पे। और सामने है ग्लेशियर, और ग्लेशियर का व्यू तो आ ही रहा है। यहाँ भी फोटोग्राफ्स वगैरह ले सकते हैं। वहाँ भी जाने के लिए है क्या, उस साइड को भी कच्चा रास्ता है ये चलने के लिए? मंदिर वाला रास्ता तो नहीं है ये? मंदिर का रास्ता वहाँ से है जहाँ से हमने गाड़ी पार की है, वो पता करना पड़ेगा, मैं थोड़ा भूल चुका हूँ, काफी टाइम बाद आया हूँ मैं। लेकिन यहाँ से ये व्यू अमेजिंग, वाओ लवली व्यू यार। हाँ, और तुम क्या कर रहे हो ये पत्थर लेके? पानी में डालो। पानी में नहीं डालते ना, पॉन्ड में कुछ नहीं डालना है, ना बॉटल ना पत्थर, ऐसे फेंक देते हैं। इसके नेचर ब्यूटी को, नेचुरल ब्यूटी को खराब मत करो। में लगा हुआ है। नो नो बिल्कुल, देख लो फिर उठा लिया इसने बेटा, वो नेचुरल ब्यूटी है ना, फिशेज है उसमें, पैर पे गिर जाएगा, पैर पे चोट लग जाएगी। दोस्तों इस कॉर्नर से मैं अभी आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ इस पॉन्ड का, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस आ रहा है अभी यहाँ पे। बिल्कुल ब्लू स्काई और ये क्लाउड्स आप देख पा रहे होंगे, गजब। तो मैं तो बिल्कुल ही मतलब क्या बताऊँ, मतलब मूड बिल्कुल ही फ्रेश हो चुका है। और आई एम श्योर कि अगर आप भी शिमला आते हैं तो ऐसी जगहों को घूम कर एक्सप्लोर करके आप बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। हम यहाँ से जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क किया वहाँ पे चल रहे हैं, और वहाँ से बिल्कुल उस टॉप पे एक मंदिर है। ये सुनो इसकी रिट्रीट, अंदर थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए ये रिट्रीट है, यहाँ पे स्नोफॉल के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रश होती है, और यहाँ पे स्कीइंग वगैरह भी की जाती है। और यहाँ पे ये रॉयल एप्पल ट्री, इसके देखिए फ्लावरिंग हो रही है ये मई फर्स्ट वीक में, बाद में फिर इसमें एप्पल भी आएंगे जुलाई और अगस्त के मंथ में। इस रिट्रीट के अंदर ये बच्चे भी एंजॉय करते हुए, ये देखिए ये बोट शेप में बना हुआ है, आप यहाँ पे कुछ चाहे तो ब्रेकफास्ट वगैरह टी कॉफ़ी ले सकते हैं। ये इनका रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, ये रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है अंदर, बिल्कुल तो लास्ट में दिख रहा है, वो घूमते रहता है, जब टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं तब चलाते हैं, अभी इन्होंने बंद कर रखा है, कम टूरिस्ट है तो। फागु टॉप पे राइट में अगर आप टेम्परेचर देखेंगे अभी इट इज़ 15.67 पे फ्लक्चुएट हो रहा है डिग्री सेंटीग्रेड पे। आइए अब मंदिर की ओर बढ़ते हैं, देशु माता मंदिर। तो ये स्नोकिंग रिट्रीट, बिल्कुल इसके सामने ये सीढ़ी है, अभी यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर चढ़ेंगे, और जैसा मैंने पहले ही बताया आपको 20 से 25 मिनट यही लगने वाले हैं, तो आइए आगे बढ़ें। मंदिर की सीढ़ियाँ अभी हम लोग चढ़ रहे हैं। अरे भाई बेल तो बजा ही दे। मैक्सिमम इसमें हाफ एन आवर लग जाता है पैदल चलने में सीढ़ियों से, बट काफ़ी एडवेंचरस है ये भी, जंगलों के बीच में ये सीढ़ियाँ बनी हुई है बिल्कुल। हाँ, और अगर आप सीढ़ियाँ देखें तो ये ज़्यादा हाइट नहीं है इसकी, लंबी लंबी सीढ़ी है, तो आप आराम से चढ़ सकते हैं, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बच्चों के लिए भी सेफ है, थोड़े से बुजुर्ग जो हैं उनके लिए अवॉइड करें। तो एग्जैक्टली 15 मिनट्स में सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग ऊपर पहुँच गए हैं, और इधर व्यू एक और शानदार गजब का व्यू, और दूसरी ओर यहाँ पे मंदिर, ये काली माता का मंदिर है, जय महाकाली। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी शांति है, और बहुत ही अच्छा ग्रीनरी से भरा हुआ भी है,
तो बहुत ही न्यू प्लेस है हम लोगों के लिए भी एक्सप्लोर करने के लिए, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे सुकून जो मिलता है ना, उस तरीके का माहौल है यहाँ पे। मुझे तो बहुत ही एक्साइटमेंट लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम लोग आसमान में आ गए हैं, चारों ओर का व्यू हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं। इधर का न्यूली वेड कपल जो है वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा उनका भी एक्सपीरियंस रहेगा। और एक चीज़ गौर किया तुमने, यहाँ पे काफी सारा जो है ये माता की चुन्नी जो है ना उसको बांधा हुआ है, तो यानी कि ये मन्नत पूरी करने वाली जगह है। ये काली माता का मंदिर है, ये देशु काली माता का। तो यहाँ पे आप आए, मन्नत भी मांगे, सच्चे मन से मांगे, और मैं ही मांगने वाला हूँ। दोस्तों अभी हम हैंड वॉश करेंगे, वहाँ पे हाथ धोने के लिए भी है, फिर हम दर्शन करेंगे, फिर आपसे बात करते हैं। दोस्तों इतनी गर्मी में भी यहाँ का पानी चिल्ड लग रहा है, चिल्ड मीन्स 5 to 6 डिग्री टेम्परेचर वाला, तो हाइट पे आने पे थोड़ा टेम्परेचर और कम हो जाता है। बिल्कुल शीतल जल। जय महाकाली देशो। काली माता का मंदिर, इसके साथ में है यहाँ भगवान शिव की मंदिर, ये देखिए भोलेनाथ का मंदिर है ये। और फिर मैं इस मंदिर के प्रांगण से इस पूरे मंदिर कॉम्प्लेक्स का आपको व्यू दिखाता हूँ। इधर कुछ पुजारी और दूसरे पंडितों के रहने का निवास स्थान है। तो हम लोग माता के मंदिर से इधर आ गए हैं, और आप अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये कितना ज़बरदस्त व्यू है, यहाँ से मंदिर के बिल्कुल साथ में ही है। और ये सारा एरिया देखिए, काफ़ी सारा एरिया है, उधर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे आता हूँ और यहाँ का अमेजिंग व्यू आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश एयर आ रहा है, फुल ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा लग रहा है जन्नत में है हम लोग। तो दोस्तों ये अमेजिंग व्यू और फ्रेश एयर, रियली वी आर अमेज्ड। तो आप भी यहाँ पे आएंगे तो ट्रूली विल बी अमेज्ड ऑल्सो। तो दोस्तों इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। दोस्तों एक चीज़ और जाने के पहले, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें।